नमस्कार, आपका स्वागत है newsviews360.com में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर हैं। शुक्रवार के दिन हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में संबोधन और उसके बाद सवाल जवाब के सत्र में अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। आपको बताएं कि ओबामा जब आखिरी दफा भारत के दौरे पर थे तो वो बतौर राष्ट्रपति के तौर पर आए थे। उस समय भारत में धर्मांतरण का मुद्दा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की थी और नरेंद्र मोदी से इस बात पर चर्चा भी की थी कि किसी भी पंथ को चुनने के लिए एवं धार्मिक सहिष्णुता का समान अधिकार होना चाहिए सबको और सांप्रदायिक आधार पर देश को नहीं बांटा जाना चाहिए। इन विषयों पर इन्होंने जोर देकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ओबामा ने कहा कि वो मोदी को बेहद पसंद करते हैं। कारण है कि उनका मोदी जी का जो विजन है और जो आधुनिकीकरण को लेकर जो उनका कार्य करने का शैली है वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो उनके कार्य हैं एवं भारत में जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो विकास हुए हैं, जो कर्णधार बने हैं मनमोहन सिंह, इसीलिए वो मनमोहन सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ओबामा ने आखिरी में ये भी कहा कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है जिसमें मुस्लिम आबादी भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम अपने आप को देश से जुड़ा मानते हैं और भारतीय मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में कई अन्य विषयों पर चर्चा की, जैसे कि आतंकवाद, पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन की तलाश और भारतीय दल। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यूज़ 360.com, खबरें अलग अंदाज में। नमस्कार।